टाइम पे आया ना, आज आया ना टाइम पे, आज काम था तो आया, ऐसे नहीं तू रेट उठा मैं जल्दी उठा। Welcome to the channel everyone and I hope you guys are doing absolutely great. So last vlog which you have seen is on the 22nd of November which was Manshin's birthday. और तभी ज़रा beard भी आ गया था, उसके बाद में कुछ ज़्यादा काफ़ी मैंने try किया grow करने के लिए but मैं उसमें अच्छा नहीं दिख रहा था because यहाँ पे जो patches है ना guys, थोड़े थोड़े जगह पे beard नहीं आता है तो उसके हिसाब से फिर अच्छा नहीं होता because full growth नहीं है। तो आज का vlog बहुत ही special और मेरे लिए ज़्यादा special vlog है because I am going right now and taking my Sandro. तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं सेंट्रो में बहुत कुछ नया काम करने वाला हूँ, इंटीरियर से अंदर से पूरा सेंट्रो का लुक जो है वो चेंज होने वाला है। सो सीट बोलो, अंदर सब कलर बोलो, सब चेंज होने वाला है। और यहाँ पे ना गाइस क्या हुआ था कि मैं बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था और मेरे बिल्डिंग से आप जैसे बाहर निकलोगे ना तो यहाँ से गाड़ी निकलूँगा तो मुझे लेफ्ट माना पड़ता है। तो ये जो वॉल का एज होता है ना वो एच से थोड़ा मेरा गाड़ी है ना वहाँ से टच हुआ और मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा मैं प्रॉपरली एक लेफ्ट मार लूँगा बट नहीं हो पाया। तो उसके लिए फिर यहाँ पर पूरा आप जो स्क्रैच देख रहे हो गाड़ी में, ये पूरा स्क्रैच उसके लिए हुआ था और ये जब मैं ऑलमोस्ट 1920 हर्ट्ज का था तभी हुआ था ये। सो फिलहाल गाइस अभी ये जो है ये पूरा हम लोग रीपेंट में डालेंगे बट अभी नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल जो हम काम करने वाले हैं वो है हम लोग अंदर से पूरा गाड़ी पूरा एकदम चकाचक नया करने वाले। सो मैं कैमरा नहीं लिया बिकॉज बस फिर बाद में रिटर्न आने के टाइम पे अब मेरे को नहीं पता वंश आने वाला है कि नहीं, बिकॉज थ्रू वंश आई गॉट अ कॉन्टैक्ट वेयर आई कैन नाउ कस्टमाइज माई कार फ्रॉम इनसाइड। सो थैंक यू सो मच वंश एंड नाउ वी आर गोइंग आउट देयर टू ओपेरा हाउस, सो इट्स इन बॉम्बे और ये साइड पे है। तो अभी हम लोग ओपेरा हाउस साइड पे जा रहे हैं और आर कार के काम के लिए। सो अभी बेसिकली मेरे पास 4-in-1 कॉर्ड था घर पे, तो पहले मैं वो यूज़ करता था हमारे सेंट्रो में बट देन लेटर ऑन वो अभी कुछ ज़्यादा घर पे काम आता है तो फिर मैंने सोचा कि एक नया ही सिगरेट चार्जर विथ इनबिल्ट 3-in-1 चार्जर ले लेता हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न एंड आई यूज़ आईफोन, सो मेरे लिए आईफोन का लाइटनिंग केबल ज़्यादा काम आता है। और ये एक्चुअली बाल्टी है तो ये एक्चुअली गाड़ी में इसके लिए रखा है क्योंकि फिर रेंज वगैरह अभी तो दिसंबर के टाइम पे दो दिन पहले गए सब देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा था दो दिन कंटिन्यूसली, आज धूप आया है दो दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो, सो इसके लिए अभी कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गया है और ऐसी बारिश सही नहीं होती है गाइस क्योंकि फिर बाद में बारिश हो और उसके बाद में डायरेक्टली फिर ये गर्मी आ जाए, इट्स नॉट अ गुड वेदर बिकॉज मेरा भी तबीयत सही नहीं था फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, यही कारण के लिए यही कारण के हिसाब से मेरे को भी कफ एंड कोल्ड हो गया था। नाउ आई एम अ बिट गुड एंड स्टिल मैं थोड़ा मेडिकेशन इज गोइंग ऑन। गाड़ी में व्लॉग करना थोड़ा आसान हो जाता है बिकॉज हम लोग प्रॉपरली थोड़ा बैठ सकते हैं बट अगर यही अगर हम लोग स्कूटर या बाइक पे हो तो ऐसे हम लोग इजीली व्लॉग नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए देन वी नीड इज अ गोप्रो और एन एक्शन कैमरा थ्रू विच वी कैन व्लॉग एंड टॉक, बट कार इज़ वन ऑफ द थिंग वेर यू कैन आराम से सिट टॉक, या तो चाहिए तो आप आपका फ़ोन यहाँ पे लगा सकते हो या अगर आपको चाहिए तो इनबिल्ट आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइपॉड अटैच कर सकते हो जहाँ पे आपका फ़ोन अटैच हो, बट ये चीज़ स्कूटर में नहीं हो सकती है तो ये एक चीज़ नहीं सही है बिकॉज स्कूटर में कैसे कुछ ज़्यादा रिस्क होता है वायर व्लॉगिंग, एक हाथ से आप आपका कैमरा या तो अगर आपका फ़ोन से आप व्लॉग कर रहे हो वो अगर आप हाथ एक हाथ से पकड़ रहे हो एक हाथ से आप स्कूटर चला रहे हो सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्की थिंग विच अ पर्सन शुड अवॉइड। यहाँ पे है वंश भाई हमारे साथ, आप अगर उसको देख सकते हो प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दिस आपको तो भी दिख रहे ही होंगे वंश भाई यहाँ पे खड़े, तो उनके दुआ और कृपा से हम यहाँ पे आए हैं और हमारा सीट वगैरह और इंटीरियर पूरा कस्टमाइज कर रहे हैं बराबर। क्या लगता है भाई सब लोगों को अच्छा लगेगा एक बार काम हो गया तो? क्या बोल रहे हैं? सब लोगों को अच्छा लगेगा अरे बहुत अच्छा काम होने के बाद में, सरप्राइज है तुम लोग के लिए, सरप्राइज है ना एकदम सुबह सुबह उठ गया एकदम से, तू भी सोच रहा होगा सिद्धांत काम के टाइम पे उठ जाता है प्रॉपरली टाइम पे आ जाता है हमारा सेंट्रो का काम हो रहा है और यहाँ पे मोहन भाई है हमारे साथ जो हमारा गाड़ी का पूरा कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। थैंक यू टू मोहन भाई एंड थैंक्स टू वंश, तो वंश भाई की हेल्प से हमारा गाड़ी पूरा अंदर से कस्टमाइज हो रहा है, बाहर से भी हम करेंगे
सो वंस नोज वेयर वी कैन पेंट आर कार फ्रॉम आउटसाइड का होगा वो काम पेंटिंग का कुलाबा ना तो वहाँ पे भी हम जरा जाएंगे बट नेक्स्ट टाइम अभी नहीं अभी फिलहाल अंदर से कस्टमाइज करेंगे और आप लोग खाली देखना गाड़ी कैसा दिखता है अंदर से तो मैं सोचा पहले कि व्लॉग नहीं बना बट फिर मैं सोचा कि नहीं अभी कंटेंट होगा इसके लिए तो थैंक्स टू मोहन भाई आउट हियर उन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइस में और अच्छे डील में हमें ये कस्टमाइजिंग करके दिया है टू वॉन्ट टू कस्टमाइज दियर कार या जो आपको जो भी गाड़ी के अंदर का कुछ भी काम रहेगा सीट रहो या अंदर का इंटीरियर पूरा चेंज करना रहेगा तो आप मोहन भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पर इनका कार्ड है तो आप दो मिनट वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप उनका नंबर और सेकेंडली उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा बट अगर आपको अच्छे तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो यू कैन कॉन्टैक्ट मोहन भाई फॉर वॉट एवर चेंजेस यू वॉन्ट टू मेक इनसाइड योर कार इंटीरियर के गाड़ी के अंदर वो हेल्प कर देंगे आपको तो जो भी काम रहेगा वो आपको कॉन्टैक्ट करके आपको हेल्प कर देंगे और गाइड कर देंगे थैंक यू मोहन भाई कितने बजे तक मिलेगा गाड़ी 7 बजे तक सात मतलब मैं पकड़ लूँ 9 बजे तक भी हो सकता है अगर थोड़ा लेट हुआ काम तो सब तेरे जैसे नहीं थे ना टाइम टू टाइम रहते हैं टाइम पे आया ना आज आया ना टाइम पे आज काम था तो आया ऐसे नहीं तू लेट उठा मैं जल्दी उठा आज सो अभी डायरेक्टली हमें शाम को मिलेगी गाड़ी और यहाँ पे हम हमारा गाड़ी रख के अभी जाएंगे वंश के साथ ज़रा बिकॉज हमारा अभी एग्जाम है समवॉट एट अराउंड 3 o'clock तो इसके लिए मैं ज़रा वंश को बोला कि थोड़ा भी मेरे को जल्दी ड्रॉप कर पाएगा तो बेटर है क्योंकि ये बंदा कुछ जा रहा है बाहर कितने बजे जा रहे तू अच्छा अच्छा ऐसे देखने जाओ तो ये टाइम पे मैं उठ के ना मेरे घर पे बैठे रहता हूँ और मैं जाता हूँ नहाने के लिए कुछ अराउंड 2 बजे और आज ऐसा लग रहा है कि यार मतलब यही लड़का तो 2 बजे उठ के जाता है नहाने के लिए तो 12 बजे उठता है आज सुबह में 10 बजे उठ गया उसके काम के लिए ये हैबिट रखना थोड़ा ज़रूरी हमें रख लगेगा अभी इट इज़ वेरी गुड टू यू नो गेट अप इन द मॉर्निंग बहुत सही लगता है अरे इतनी गर्मी है ना कसम से कल तक बारिश हो रहा था और आज देखने जाए ना तो इतनी 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 गर्मी है मेरा सर फट गया एंड आई हैव कम टू A1 कोलीवाड़ा विच इज़ वेरी फेमस एट ग्रैंड रोड सो वेन एवर वेलकम टू ग्रैंड रोड मुंबई डाल देना आपको ये लोकेशन भी लेके आ जाएगा A1 कोलीवाड़ा फॉर दोज हु लव टू ईट फिश एंड आर फिश लवर्स आप लोग को तो ये जगह आना ही पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल जगह है फॉर पीपल हु लव टू ईट सी फूड सो दिस इज A1 कोलीवाड़ा और ये दाल फ्राई जीरा राइस मैंने पार्सल लिया बिकॉज ज़्यादा ही हो गया था तो फिर मैं सोचा कि पार्सल ले लेता हूँ मैं सो अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं यहाँ पे हमारी RC गाड़ी है और बाय 8:39 मुझे बोला कि मतलब मेरे को तभी गाड़ी मिल जाएगा सो व्हाट विल डू इज राइट नाउ विल पॉज द वीडियो फॉर नाउ एंड विल स्विच ऑन वंस इट्स ऑलमोस्ट 7:38 8:30 चलो पहचान में किसकी गाड़ी है ये पूरा इंटीरियर देखो आप लोग पूरा ऐसे हम लोग ने हमारा पूरा गाड़ी का इंटीरियर पूरा चेंज कर दिया है गाइस और यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा स्क्रीन लगा दिया है सो दिस इज़ अ टच स्क्रीन आउट हियर सो इट शोज यू द टाइम एज वेल एज यू कैन ऑल्सो प्ले यूट्यूब ऑन दिस एंड ऑल्सो गूगल ऑल्सो वर्क्स सो दिस इज़ हाउ नाउ आर सेंट्रो हैज़ बीन मॉडिफाइड और ये बन गया है हमारा मॉडिफाइड सेंट्रो और टेक्निकली बोल सकते हैं मॉडर्न सेंट्रो सर जो है सेंट्रो का जो सुबह में आप लोग ने देखा था वो अभी पूरा मॉडिफाई हो गया ऊपर भी यहाँ पे पूरा फंगस आ गया था तो ये भी पूरा चेंज कर दिया है ये मैंने बोला रहने देने के लिए एंड व्हेन आई ओपन द डोर सो यू कैन सी द लाइट आउट योर यहाँ पे पैर के यहाँ पे लेग लाइट आ जाता है मैंने ये भी बोला था इंस्टॉल करने के लिए So this is how we have modified our Sentro. So much Mohan bhai, thank you so much for your help. Thank you so much. और भी कुछ काम रहेगा तो मैं आपको पक्का बताता हूँ कल भी आता हूँ गाड़ी लेके छोटा मोटा काम है जरा अभी मोहन भाई ने हमें ये जो वाइजर है इसके लिए हमें हेल्प कर दिया था तो थैंक यू सो मच और बाकी का इंटीरियर जो भी काम है सब मोहन भाई और उनके वर्कर्स के थ्रू हो गया है और डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वर्क आई कैन से थैंक यू सो मच मोहन भाई आपका पेज है इंस्टाग्राम पे सर क्या नाम है मोहन सुरवे
मोहन सुरवे, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और बाद में जो भी फॉलोवर्स वगैरह कोई भी रहेंगे मेरे थ्रू अगर कोई आते तो डिस्काउंट रेट में आप करा देना। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं कल आता हूँ पक्का, जो भी आगे का गाड़ी का काम है जो हम लोग ने बात किया वो हम लोग कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय। गाड़ी लग रही है यार, क्या गाड़ी लग रही है, सही है यार, पूरा इंटीरियर पूरा चेंज कर दिया यार। गाइस मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं मेरे सेंट्रो में नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरी कोई नई गाड़ी ली है। ऑल्दो आई हैव नॉट डन मच वर्क इन इट, खाली इंटीरियर मुझे बनाने का था। जैसे ये जो है आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट हो गया है, फंगस था इसके पहले, तो इसके लिए मुझे रूफटॉप चेंज करना पड़ा। बाकी अब सीट वगैरह देखोगे तो ओ माई गॉड। एक इंस्टाग्राम पे सून देर इज गोना बी अ पोस्ट विथ माई सेंट्रोस इंटीरियर, सो आप लोग देखना। अगर नहीं फॉलो करते तो इंस्टाग्राम पे डू फॉलो मी सिद्धांत लोटिया 16, मैं मेरा खुद का आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। फॉलो करोगे लाइक करोगे तो आपका प्यार और मेरा प्यार साथ ही साथ रहे। सो गाइज आई हैव रीच्ड माई बिल्डिंग एंड सो यू कैन सी द इंटीरियर वंस मोर, आई विल जस्ट शो इट टू यू ऑल। I'm just waiting for my friends, so when they sit in the car and when they have a real feel after my car is modified, वो लोगों को तभी समझ में आएगा कि कैसा मेरा गाड़ी बन गया है। So with that said guys, I'll be keeping the video for now and I hope that you enjoyed watching the video. अगर आप लोग को ये video अच्छा लगा हो then don't forget to hit the like button. If you are new to the channel then do subscribe it. With that said, thank you very much for watching this video. As always, I'll be back with a new vlog in the next vlog. Till then, bye bye, take care, Shabagar. मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एंड यस, मोर एंड मोर कस्टमाइजेशन ऑफ दिस बेबी सेंट्रो इज गोना कम सून, सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चलो बाय बाय बाय।